पर यहाँ पे ना बोलते हैं कि दुनिया भर से प्रवासी पक्षी आते हैं। और बाथू की लड़ी के टेंपल और टावर दिख रहा है ना, वहाँ पे है। राइड पे निकलने से पहले एक जरूरी काम जो है वो है टायर प्रेशर चेक करना बाइक का। चुप चेक कर लेते हैं भाई। फ्रंट वाले का भी थोड़ा कम हो गया है। हवा भी भर ली टायर में। बाइक तो मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दी थी जब मैं उठा था। चलो भाई चलते हैं। सुबह सुबह का टाइम है अभी, और इस बार मैंने अपने ये फॉग लैंप के फिल्टर जो लगा रखे हैं वो येलो वाले हैं। मैंने बोला क्यों ना चेक किया जाए इसको। गाइस मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ महाराणा प्रताप सागर लेक। महाराणा प्रताप सागर लेक जो है एक मानव निर्मित लेक है, और ये पोंग डैम के बनने के बाद बनी है। ये जो लेक है ना, वहाँ पे आप बर्ड वाचिंग कर सकते हैं। दुनिया भर से सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षी वहाँ आते हैं। अभी आना स्टार्ट हो गए हैं, तो राइट टाइम है उस झील पे विजिट करने का, तो मैं आज इसलिए जा रहा हूँ। और दूसरा, उस झील के बीच में ना मंदिरों का एक समूह है जिसे बाथू की लड़ी के टेम्पल बोलते हैं, और अभी वो है पानी में डूबे हुए हैं। वो साल भर पानी में डूबे रहते हैं। मई जून में शायद जब पानी कम होता है झील का ना, तब वो दिखते हैं, तब पब्लिक वहाँ पे विजिट करती है। और वैसे बोट से जा सकते हैं वहाँ पे अभी, पर पता नहीं कितने दिखेंगे कितने नहीं दिखेंगे। पोंग डैम 1974 में बन के रेडी हुआ था भाई, और उसी के कारण फिर ये लेक बनी। वैसे हिमाचल में अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में ना पिछले 3-4 दिन से काफ़ी फोग हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये फिल्टर लगा लें। पर आज जब ये फिल्टर लगाएं तो फोग का तो निशान ही नहीं है। 10-11 बजे तक तो वैसे धुंध पड़ रही थी, अभी कोई धुंध नहीं है। चलो जी मैं पहुँच चुका हूँ ठाकुर द्वारा, और यहाँ से लेफ्ट लेना है मुझे, लेफ्ट। हाईवे का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है इधर, ये देखो खड्डे ऐसे पड़े हैं ना, दिख भी नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गीला है कुछ रोड पर, वो खड्डा है। और यहाँ पे आगे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना है। लो फ्यूल वार्निंग आ चुकी है। फुल करने भाई। हाँ जी चलो मैप भी ऑन कर लिया। 55 किलोमीटर है ना ग्रोटा सूर्या यहाँ से ना, 4.7 किलोमीटर के बाद राइट है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। ठंड अभी कुछ ज़्यादा लग रही है, सुबह सुबह इतनी नहीं लगी मुझे। अभी ज़्यादा लग रही है। तो ये लिखा है वेलकम टू पोंग डैम लेक, तो मैं पहुंच गया भाई। ये स्ट्रेट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गेट तो मैंने गूगल पे भी देखा था। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सब बंद है। चलो आगे चलते हैं, हम तो जा सकते हैं ना आगे। चलो इसी रास्ते से चलते हैं आगे। यहाँ से गाड़ी जाती होगी? नो आई डोंट थिंक सो कि गाड़ी यहाँ से जाती होगी, ये तो बाइक जा सकती है। बड़े पतला रास्ता है, तो भैंसें दिख रही हैं, भैंसें और कुछ नहीं दिख रहा इधर। वैसे यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, टायर के निशान रोड तो बना हुआ है, इसका मतलब है कि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। हो सकता है कि झील के किनारे कुछ मिले मुझे लोग। और सुबह सुबह भाई यहाँ आने का अपना ही मजा, लोग हैं आगे। तो ये है भाई पोंग डैम लेक, तो दिख गई बहुत बड़ी है, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है ये नहीं पता, लोकल्स होंगे सारे। से पूछते हैं क्या है इधर।
भाई नमस्कार। यही है क्या लेख? पोंग डैम यहाँ तो देखने के लिए क्या है? और यहाँ बाथू की लड़ी के लिए जाती है बोट बूट? नहीं नहीं, आंध्र प्रदेश बाथू लड़ी हो बोट बूट नहीं आती कोई भी? तो भाई इधर लेक पे तो कुछ है नहीं, और बर्ड भी इधर कुछ खास दिख नहीं है रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इधर हैं गाय भैंसें है, दिख रही हैं। मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से ज्वाली। बैटरी भाई चेंज करी है मैंने अभी, यहाँ से अभी भी 14 किलोमीटर होगा ज्वाली ना। धूल तो सुबह से बड़ी खाई है हमने। पहले मैं नगरोटा सूरियों के पास लेक का जो पोर्सन है हिस्सा है वहाँ पर गया था, वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड भी था, बट वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना कुछ दिखा नहीं, ओनली गाय भैंसें थी, पक्षी भी तक नहीं दिखे मेरे को, और वहाँ पर बोर्ड्स भी अवेलेबल नहीं थी जिससे कि आप बाथू की लड़ी तक जा सकते हैं। हालांकि बाथू की लड़ी जो मंदिर है ना वो पानी में डूबे हुए हैं, बट फिर भी बोट से उनके पास जा सकते हैं, देख सकते हैं पास से। वहाँ पे लोकल लोग थे, उनसे बात करी मैंने, उन्होंने बोला कि आप ज्वाली चले जाओ, ज्वाली में से जो बाथू की लड़ी है वो पास में ही है, और बर्ड वॉचिंग का तो ऐसा है ना कि वहाँ पे भी दिख जाएंगे आपको। तो बस मैं वहाँ से निकला फिर ज्वाली के लिए। तो भाई 10 किलोमीटर सफ़र हो रहा है ज्वाली से आगे। अगर आप उंगली खाना चाहते हैं तो बाथू की लड़ी का मैप लगा लो, बस आपको ज्वाली से होते हुए पहुँचा देगा वहाँ पे। कहाँ घुसा दिए गूगल बाबा आपने, क्या चाहते हो? फिर से लेफ्ट 1 किलोमीटर के बाद बोल रहा लेफ्ट ले लो, पर सच में यही रास्ता है क्या? ये भी नहीं पता भाई, मैं तो गूगल के सहारे जा रहा हूँ। आज मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ ऐसे लग रहा हूँ किसी समुंदर के किनारे पे पहुँच गया हूँ मैं। तो कोई और नहीं दिख रहा, बस मैं ही दिख रहा हूँ, भाग्य मेरे को देख के। ओह यहीं खड़ी कर देता हूँ। गाइज मैं पहुँच चुका हूँ महाराणा प्रताप सागर लेक के किनारे पे, और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, बाइक मैंने यहाँ तक आई है, गूगल लेके आया है और सही जगह पे लेके आया है। अभी बर्ड्स भी दिखे हैं मेरे को इधर, और चलते हैं पास में। बर्ड जो हैं पानी में वहाँ पे हैं, अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, दूर हैं वो, उड़ गए सारे, मेरे को देख के ना उड़ जा रहे हैं ये देखो। और यहाँ पे ना बोलते हैं कि दुनिया भर से प्रवासी पक्षी आते हैं इस मौसम में, नवंबर में आना स्टार्ट करते हैं, और 3 से 4 महीने यहाँ पे ही रहते हैं। और ये पोंग झील बोलते हैं इसको, या महाराणा प्रताप सागर लेक भी बोलते हैं। ये एक्चुअली ब्यास नदी के ऊपर जब तलवाड़ा में वो पोंग डैम बना तो उसके पानी रोका गया, तो उसके पानी से फिर ये उसके ऊपर की साइड में ये झील बनी है। और देखो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्षी हैं, और बाथू की लड़ी के टेंपल और टावर दिख रहा है ना वहाँ पे है, और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए वो मैं अभी पता नहीं मुझे कैसे पहुँचूँगा वहाँ तक। मैं जाने का तो मन है कि वहाँ तक जाके आऊँ, कहाँ से बोट वगैरह की व्यवस्था होती है वो नहीं पता। चलो चेक करेंगे, मैं थोड़ी देर वेट करूँगा, कोई तो आएगा इधर, जब कोई आएगा तो उससे पूछूँगा। भाई मैं अभी यहाँ पे हूँ काफ़ी देर से, बट अभी तक कोई आया नहीं है, पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा वेट करूँगा मैं थोड़ा सोर कि बोट राइड मिल जाए। बाइक राइड तो हमने कर ली, बोट वाली राइड मिल जाए बस यहाँ पे बर्ड वॉचिंग है, बर्ड देख सकते हैं, बर्ड हैं बहुत सारे हैं,
दिख रहे हैं, बट जैसे उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं बोट जा रहे हैं, तो कैमरा कितना कैप्चर किया है मुझे नहीं पता। और ये है अभी बाथू की लड़ी, सॉरी पोंग डैम लेक के लिए। जो आप ज्वाली के पास आओगे तो आप लेक के किनारे पे पहुंच जाओगे, बर्ड वॉच कर सकते हैं। और अभी तो सीज़न नहीं है, नहीं तो मई जून में जब पानी कम होता है तो पब्लिक यहाँ आते ही है, गाड़ियाँ वगैरह बहुत होती होंगी, भीड़ होती होंगी इधर तब। अभी तो कुछ नहीं है इधर, और तब यहाँ से बोटें भी चलती होंगी मे बी, एज ऑफ नाउ सब बंद है। निकल रहा हूँ वापस, थोड़ी देर वेट करा मैंने, काफ़ी देर वेट करा पर कोई तो आया नहीं, पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा। गांव का कोई मिलेगा आगे तो पूछते हैं, उससे होगी तो वापस आ जाऊँगा, नहीं तो फिर घर के लिए निकल जाऊँगा। सही जगह है पर आजकल नहीं है मेरे ख्याल से सही। मई जून में क्या होता है, पानी और ज़्यादा कम हो जाता है ना इधर, तब सही होगी। भैंस से हट जाएं बस, फिर जा पाऊंगा आगे। सो गाइस मैं अभी रुका हूँ ज्वाली में, और चाय वगैरह पीऊंगा और साथ में चने वगैरह समोसे कुछ खाऊंगा, और उसके बाद निकलूंगा पालमपुर के लिए। और आज के ब्लॉग में मैंने आपसे बोला था मॉर्निंग में कि मैं जाऊंगा और आपको बर्ड वॉचिंग करवाऊंगा और बाथू की लड़ी टेम्पल्स तक जाऊंगा पास में से दिखाऊंगा, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। बर्ड्स कुछ दिखे बट अभी सीज़न नहीं है। बाथू की लड़ी टेम्पल तक अगर आपको जाना है तो शायद मई के मंथ में पब्लिक आती है जब पानी कम हो जाता है, तो बोट से भी जाते हैं, और आज तो कुछ था नहीं ऐसा। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और इसको यहीं एंड कर रहा हूँ। आपको ब्लॉग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें चैनल सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, स्टे सेफ गाइज़।